सकते हैं एक छोटे से प्रश्न से? एक दुकानदार एक वस्तु 1500 रुपए में खरीद कर 1800 रुपए में बेचता है तो बताएं कि उसे उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। फटाफट जितने लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं जल्दी से, जो लोग लाइव देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि कोई नियम नहीं पढ़ना, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। एक दुकानदार एक वस्तु 1500 रुपए में लाकर उसे 1800 रुपए में बेचता है। कितने बेचता है? 1800 रुपए में बेचता है। उसे इस वस्तु में लाभ होता है या हानि, उसे इस वस्तु में फायदा होता है या नुकसान? तो हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा, हमने ये सीखा कि उसे 300 रुपए का लाभ होता है। कितने का? 300 रुपए का लाभ होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया 300 रुपए। कितने में होता है? तो यहाँ भी पता चला उसे 1500 रुपए में होता है, तो बट्टे हमने क्या लिख दिया? 1500 लिख दिया। और परसेंटेज के लिए गुणे 100, जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपए में ला के 1800 रुपए में बेचता, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो हम ये देखते हैं, अगर कोई वस्तु 1500 रुपए का लाया, 1800 का बेचा, तो 300 रुपए का लाभ हुआ। कितने हुआ? 1500 में परसेंट के लिए गुणे 100। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब दो लड्डू कट गया, 15 का 15, 15 दूना 30, एक लड्डू का ज्यादा 20, तो क्या हो जाएगा? 20% का लाभ। हमने पहले बताया था कि प्लस दर्शाने का मेरा उद्देश्य है कि हम क्या दर्शा रहे हैं, यहाँ पे लाभ दर्शा रहे हैं। लाभ को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रायः प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा। जी हाँ, आप सभी लोग अगला प्रश्न लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि पर जब बेचता है तो उसे 1995 रुपए मिलते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, जिससे वस्तु का विक्रय मूल्य 1995 रुपया होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा तुम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आराम से लगा लेंगे। कोई नियम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बात को समझिएगा, कोई नियम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। आइए हम इसे आपके सामने हल करते हैं। हमने क्या देखा कि जो वस्तु हम लोगों ने दुकानदार ने खरीदा वो 5% की हानि पर खरीदा। वस्तु कितने की थी पता नहीं, हम यहाँ पे लिख दिए कि माना वस्तु 100 रुपए की थी, क्योंकि हम जानते हैं गणित में जहां कुछ नहीं दिया हो वहां पे यक्ष मानते हैं। जब वस्तु 100 रुपए की थी तो जब 5% की हानि हुई, तो 5% की हानि का मतलब आपको पता है क्या होता है? माने अगर 100 रुपए का सामान है तो यह अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु दुनिया की हो वो अपने आप में 100% होगा। अगर लाभ होगा 100 से ज्यादा, हानि होगा तो 100 से कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ नहीं, यहाँ पे हानि हो रही। कितना? 5%। तो 100 में से 5 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 95/100। अब वस्तु कितने की बिक रही है? अब 1995। अगर आप इसे हल कर देंगे तो दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की छूट या 5% की हानि पर बेचने के बाद उस वस्तु को 1995 रुपए में बेचता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? क्लियर? इस प्रश्न को एक तरह से और बना के लिखा जा सकता है, एक तरह से और लिखिएगा। मैं बट्टा भी बता दे रहा हूं। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य में 5% की छूट देने के बाद वस्तु को 1995 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? सेम सवाल है, केवल भाषा बदल दिया है और नया अध्याय हो जाएगा। क्या? डिस्काउंट, बट्टा, छूट। तो बस आप लोग को ये बातें गौर से समझनी है, हल करने हैं और परीक्षा हाल में स्कोर करनी है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसे पलट के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर। हम ऐसे भी कह सकते हैं
लेकिन ऐसे काटेंगे तो आप कहेंगे ऐसे कैसे काट दिया। तो 1995 × 100 ऊपर चला जाएगा बटे हो जाएगा, ये काटेंगे 21 हो जाएगा बराबर 2100। हमारी वस्तु का जो मूल्य होगा वह 2100। फटाफट सभी लोग देख लें, समझ लें, और अगर फिर कोई दिक्कत होती है फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ लें। ठीक है, सभी लोग फटाफट देख लें, समझ लें, अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट करके जल्दी से बताएं। हमारा उद्देश्य है कि आपको बेहतर स्कोर कराना। जो भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग, हो गया, फटाफट सभी लोग देख लीजिएगा। तो ये क्लियर हुआ। अब हम नए तरह के प्रश्न पे चलते हैं। मैंने एक टाइप के एक प्रश्न को ही लगाएंगे, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आगे लिखिएगा, सेम प्रश्न को बोलेंगे। और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो दुर्गेश सर सर्च करके, दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे इलनी भी दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। चलिए लिखिएगा सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग लिखिएगा। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 1500 रुपए की एक वस्तु को 10% का लाभ लेकर बेचना चाहता है। 1500 रुपए की एक वस्तु को 10% का लाभ लेकर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें वही पढ़ना है जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं। हमें और आपको गणित से पीएचडी नहीं करना है। बहुत सारे टीचर आपको गणित में पीएचडी कराएंगे, बड़े बड़े सवाल बताएंगे। हम लोग को बड़े बड़े सवाल नहीं पढ़ना है, हम लोग वही पढ़ना है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा में सीधे सीधे सवाल के रूप में आते हैं। तो उन्हीं तथ्यों पर हमें प्रकाश डालना है। तो फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। और आगे हमने क्या लिखा कि एक दुकानदार 1500 रुपए की एक वस्तु पर 10% का लाभ लेकर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं, ताकि हम और आप ये जान पाए कि आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट या नहीं। फटाफट कमेंट करके जवाब दे, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दे। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लगाऊंगा मैं इसकी स्क्रीनशॉट, अपने लिए तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा कि वस्तु जो है वो कितने की है। कह रहा है कि जो वस्तु है उसकी जो कीमत है वो 1500 रुपए है, उस पर वो 10% का लाभ लेकर बेचना चाहता है। कितने का? 10% का लाभ लेकर बेचना चाहता है। और जब वो 10% का लाभ लेगा, ठीक है, क्या करेंगे हम लिखेंगे वस्तु का मूल्य। तो वस्तु का मूल्य कितना है? 1500 रुपए। जब वस्तु में लाभ लेकर बेचेगा, बात तो गौर समझिएगा, जब वस्तु को लाभ लेकर बेचेगा वस्तु ज्यादा बिकेगी कम में? वस्तु में जब लाभ लिया जाएगा तो वस्तु महंगी बिकेगी सस्ती? तो हमने देखा वस्तु महंगी बिकेगी। कितनी महंगी बिकेगी? 10% ज्यादा। तो हर वस्तु अपने आप में जब 100% होता है तो 10% महंगी बिकेगी 110 में, तो ये हो जाएगा 110/100। क्लियर? अब यहां से हमने देखा दो लड्डू से खत्म, 15 × 11 करेंगे 165। माने वस्तु का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 1650 रुपया। क्या हो जाएगा? 1650 रुपया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने तीनों तरह से सवाल को बता दिया। अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लेता, लिखिएगा, लिखिए प्रश्न, मैं अब एक तरफ से तीनों टाइप के प्रश्न पढ़ा रहा हूं, एक ही तरह से तीनों प्रश्न के जो प्रश्न है वो मैं पढ़ा रहा हूं। एक दुकानदार 450 रुपए की वस्तु को 450 रुपए की वस्तु को 405 रुपए में बेचता है, 405 रुपए में बेचता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? बिना सूत्र के आपको बताना है उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। आवाज साफ आ रही क्या? नेटवर्क इशू हो तो कमेंट कर जरा बताइएगा।
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे क्या नेटवर्क इशू आ रही है कि क्या दिक्कत हो रही है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है ना। यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है कि एक जो वस्तु है, वस्तु 450 का है, बेचा कितने में जा रहा है, 405 रुपए में, कितने परसेंट की हानि हुई, यही आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत की हानि हुई। इसका एक तरीका मैंने बताया है कि वस्तु कितने की थी, 450 की थी, बेची कितनी में जा रही है, 405 में बेची जा रही है, तो सीधी सी बात है घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो भैया जब इस सौदे में नुकसान हो रहा है तो कितने खो रहा है, आइए 45 रुपए का नुकसान हो, कितने में हुआ, 450। परसेंटेज के लिए गुणे 100, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जब परसेंटेज के लिए गुणे 100 है तो हम लोग क्या करेंगे, लड्डू से लड्डू कट गया, 45 से 45 कट गया, बचा -10%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे क्या था, ये नुकसान माइनस हो, तो यहाँ 10% की हानि होगी। क्या होगी, 10% की हानि होगी। अगर यही प्रश्न आपके बट्टा में बोला होता, यही प्रश्न आपके छूट के अध्याय में होता, तो पता है कैसे होता, लिखिएगा कैसे होता। वो ये प्रश्न होता कि एक दुकानदार 450 रुपए अंकित मूल्य वाले वस्तु को, एक दुकानदार 450 रुपया अंकित मूल्य वाले वस्तु को 405 रुपए में बेचता है, तो बताएं कि वह उस वस्तु पर कितने परसेंट का छूट या बट्टा लेता है, कितने परसेंट की छूट या बट्टा देता है। तो भैया वस्तु कितने की थी, 450 की थी, बेच कितने में रहा, 405 में, बट्टा कितने का दे रहा, 45 रुपए का, कितने में, 450 में, परसेंटेज के लिए गुणे 100 बराबर 10%, तो 10% का बट्टा देता। अगर यह प्रश्न बट्टा वाले अध्याय में आता तो क्लियर हुआ। अब अगला सवाल देखेगा इसी टाइप का, अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु में 10% की हानि के बाद, 10% की हानि के बाद उस वस्तु को 405 रुपए में बेचता है, 405 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आराम से सभी लोग लगाइए, लगा के जवाब दीजिए। जो जहां भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वहां इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि आप जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन सभी तथ्यों को ये समझ पाते हैं कि हमने जो पढ़ाया क्या वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं। बाकी हम इसे 2 से 3 तरीके से बताएंगे, 2-3 मेथड बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला एक भी यूज नहीं करेंगे। जैसे हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं उसी क्रम में आपको आगे भी पढ़ाते रहेंगे। फटाफट वीडियो को आपने अगर अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पेड क्लास के लिए है। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको जुड़ना है तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास और नोट संबंधी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। दुर्गेश सर सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, जहाँ पे सभी क्लास की पहले नोटिफिकेशन और नोट्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। ये कैसे हल होगा, 2 तरीका है। पहला तरीका मैं यहाँ यूज करता हूँ, माना वस्तु 100 रुपए का था, माना जो वस्तु था वो 100 रुपए का था, 10% की हानि पर बेचता है, 10% की बट्टा पर बेचता है। जो 10% पे हानि पर बेचता है, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। 10% जब हानि पर बेचेगा तो वस्तु कितने में होगी, 90/100। अब कितने का बेच रहा है, 405। अब मैं आपको यही काटना सिखाऊंगा कि अगर आपको यही काटना हो तो कैसे काटेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये लड्डू से ये लड्डू कट गया, गुड़े हो तो बराबर के उधर अंश अंश से हर हर से कट जाते, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, बचा की तरह 5, 9 × 5 = 45, ये 10/10 उधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा, तो यक्ष बराबर 450। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 450 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 450 रुपया। सुनना आप लोग को,
क्या हो जाएगा 450 रुपया हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ आगे बढ़ते इसी प्रश्न को एक और मेथड से लगा। केवल बात को समझिएगा, कोई नियम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे थे, जो हम पढ़ाते आ रहे थे वही पढ़ाएंगे और आपको गणित में सबसे बेहतर स्कोर कराएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी। जी इस बात की गारंटी, गणित में आपको कभी फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, एक तरह नए तरीके से हल करते हैं। कह रहा है कि जो वस्तु है वो 10% की हानि पर बेचा जाता है, तब कितने बिकता है? 405 रुपये। तो हम ये जानते हैं कि जब वस्तु को 10% हानि माने 90% बेचा जाता है तब वो वस्तु 405 रुपये मिलती है। क्लियर? जब उसे 90% में, 100% में तो क्रय मूल्य होता है, लेकिन 10% की हानि में जब उसे बेचा जाता है तब वो 405 रुपये। ठीक, अगर 1% में बेचा जाएगा तब 1% बराबर 405/90। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, हमने गुणे 100 कर दिए। ये लड्डू, इस लड्डू से क्लियर? 9 से काटेंगे 45, 45 गुणे 10 करेंगे तो जो वस्तु है वो 450 कितने की? 450। तो क्या आप सभी को, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही है, हम आप लाइव पढ़ रहे हैं, क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है वास्तव में गणित आसान है? क्या आप अपने मित्र को, अपने साथी को ये बताएंगे कि गणित इलेनी बी दुर्गेश पे पढ़ना चाहिए? फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इलेनी बी दुर्गेश पर। तो आगे पढ़ेंगे, अगर इस समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट तो हम लोग और आगे, हम आपके प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे, आपका कोई सवाल होगा तो जरूर उत्तर बताएंगे, लेकिन आपका नाम नहीं लेंगे। कारण यह है, हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ाना समय बहुत कम है, बहुत कुछ पढ़ना भी है। तो फटाफट खाली इतना बताइए, समझ में आ गया तो वाइट टाइप करिए, नहीं आया तो यन टाइप करिए। आ गया? चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें। अब हम लोग और आगे, सभी लोग जो भी साथी लाइव हैं वो फटाफट तैयारी करते रहें अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रश्न को मैं नए तरीके से बोल रहा हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% का बट्टा देने के बाद 405 रुपए का बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% बट्टे पर बेचता है, 10% की छूट पर देता है, इस प्रकार वस्तु का विक्रय मूल्य 405 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? सेम तरीका जो मैंने बताया है, यही तरीका आपको यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। तो हमने क्या देखा? पहले वस्तु में हानि निकालना जाना, यदि 450 की वस्तु 405 लिख रही हो तो कितने परसेंट की हानि हुई? तो 10%। फिर दूसरा उसी प्रश्न टाइप के प्रश्न में हमने लिखा कि जब हानि वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अब हम यहां से देखेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, बिना किसी फॉर्मूले का, बिना किसी नियम का। और वीडियो को क्रम से देखिएगा, कोई भी क्रम मत छोड़िएगा अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। लिखिएगा एक प्रश्न, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। एक वस्तु को 450 रुपए मूल्य की एक वस्तु एक दुकानदार 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? फटाफट बता दीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग नए तरह के प्रश्न पढ़ेंगे, माने इस तरह का जो प्रश्न था वो आज खत्म हो जाएगा। फिर हम ये लाभ हानि का सवाल मिक्स्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जहां पे मिला जुला कर एक ही मिक्स्ड प्रश्न को ही हम लोग को, पहले यहाँ तक आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं हुई, फटाफट कमेंट करके बताइए आप। बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का, हम इतने में भी सवाल को लगा सकते। कैसे लगाएंगे?
वस्तु कितने की है? 450 की। तो भैया 450 हमने लिख दिया। 10% की छूट पर 10% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने बेचेगा? 90%। वस्तु अपने आप में 100 होती है, हानि बेच रहा है मैंने 100 से कम में, कितने में? 90 पे। तो बूढ़े 90/100, बस जो उत्तर आएगा वही मूल्य, बस आराम से निकलेगा, 405 रुपए आएगा। अब हम लोग नए तरह के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक की जो कहानी थी वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगर आ गई हो तो अब हम लोग आगे बढ़े, इससे आगे के प्रश्नों को पढ़ें। तो फटाफट खाली इतना कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ में आ गया, जितने लोग लाइक देते हैं, क्योंकि यहां से पैटर्न चेंज हो गया। एक बार हम लोगों ने क्रय मूल्य निकाला सीखा, एक बार लाभ या हानि प्रश्न निकाला सीखा, एक बार वस्तु कितने में बेची जाएगी उसका विक्रय मूल्य निकाला। तीन चीजें यहां से हम लोगों ने सीखी। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? तो आप लोग कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए एक प्रश्न लिखिएगा। यही बोल देगा आगे बोले, चलिए लिखिएगा। मोहन मोहन एक साइकिल खरीद कर उस पर 100 रुपए रिपेयरिंग का खर्च करता है। एक साइकिल खरीदा और उस पर 100 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किया। उसके बाद 10% का लाभ लेकर, 10% का लाभ लेकर उसे 1760 रुपए में बेच दिया। 1760 रुपए में बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? प्रश्न को रिपीट करता हूं मैं। मोहन एक साइकिल खरीदने के बाद उस पर 100 रुपए मरम्मत का खर्च करता है, तत्पश्चात 10% का लाभ लेकर उस साइकिल को 1760 रुपए में बेच देता है। तो मोहन ने वह साइकिल कितने में खरीदी थी? फटाफट जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को कमेंट करके बताएं, जल्दी। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आइए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करके देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। एक मोहन एक साइकिल को खरीदने के बाद उस पर 100 रुपए मरम्मत पे खर्च करने के बाद उस पर 10% का लाभ लेकर 1760 रुपए में बेचता है। उस मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी थी? ठीक, अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं आपके साथ। तो हमने ये देखा कि जो मोहन लड़का था वो साइकिल माना 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए उसने मरम्मत पर खर्च, और अपरिव्यय होता है। अब उसका जो क्रय मूल्य था वो यक्ष प्लस 100 रुपए हो गया। माना वो साइकिल अगर 5000 खरीदा था, 100 रुपए खर्च के 5100 हुआ ना। हाँ, उत्तर आना शुरू हो गया है, सही उत्तर आना। तो क्या हो जाएगी? यक्ष प्लस 100 रुपए। अब उस पे वह 10% का लाभ लेता है, माने इसका 10% का लाभ लेने मतलब 110% पे बेचता है। अब उसे कितना मिलता है? 1760। इसी समीकरण को आपको हल करना है। अगर यह समीकरण आपने हल कर लिया तो आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर, क्योंकि माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, मोहन ने उस पर 100 रुपए मरम्मत का खर्च किया, इस प्रकार उसने 10% का लाभ लेकर उस वस्तु को 1760 रुपए में बेचा। क्लियर? अब आइए, अब हो जाएगा यक्स प्लस 100 गुणे 110/100 बराबर 1760। जब गुणे में हो, अंश अंश से हर हर से कट जाता है, ये मैंने आपको कई बार बताया। क्लियर? कई बार हमने ये बताया कि जब गुणे में हो तो अंश अंश से हर हर से कट सकता है। वैसे आप इच्छा काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते। जैसे यह 0 इस 0 से कट गया,
ग्यारह का ग्यारह, ग्यारह का ग्यारह, ग्यारह छक्का, छक्का, सौ बटे में उधर जाए गुड़े में, तो यक्स प्लस सौ बराबर, सौ गुड़े करेंगे ये हो जाएगा सौ प्लस उधर जाएगा माइनस, तो यक्स बराबर सोलह सौ माइनस सौ, तो यक्स जो वस्तु का अंकित मूल्य है, जो वस्तु का सीपी है, जो वस्तु का सीपी है वो क्या हो जाएगा, पंद्रह सौ रुपया, क्या हो जाएगा, पंद्रह सौ रुपया, पंद्रह सौ रुपये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आप लोग, दोबारा समझाऊं, तिबारा समझाऊं, जब तक आपको समझ भी नहीं आएगा तब तक। ये जो अतिरिक्त खर्च होता है इससे हम अपरिवेक है, उपरिवेक है। जैसे मोहन दो हजार रुपये कोई मोबाइल खरीद कर लाया, उसने उस पर दो सौ रुपये मरम्मत का खर्च किया और मरम्मत खर्च करने के बाद उसे बाईस सौ चौवालीस रुपये में बेच दिया, वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो भैया वस्तु जो था मोहन ने उसे कितने में लिया, दो सौ, दो हजार की मोबाइल खरीदा, दो सौ रुपये मरम्मत पर खर्च किया, अब उस वस्तु को वो कितने बेच दिया, बाईस सौ चौवालीस में, उससे लाभ कितने का हुआ, प्लस दो परसेंट का हुआ। अब आप निकाल लीजिएगा, मुझे तो मान लीजिए पता है, मैंने बता दिया, अब दो हजार रुपये की मोहन मोबाइल खरीदा, दो सौ रुपये मरम्मत पर खर्च किया, बाईस सौ चौवालीस रुपये का बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ। तो भैया दो हजार की मोबाइल, दो सौ रुपये मरम्मत खर्च, कितना हो गया, बाईस सौ रुपया, बेचा कितने पर, बाईस सौ चौवालीस का, कितना रुपये अधिक बेचा, चौवालीस रुपये, कितने में, बाईस सौ में, परसेंटेज के लिए बुढ़े सौ, लड्डू से लड्डू कट गया, बाईस में चौवालीस, तो दो परसेंट का लाभ। तो इस तरह के प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, हल करिए, क्योंकि लाभानि के प्रश्न जो होते हैं वो बड़े घुमावदार, अगर थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक वस्तु मोहन पता नहीं कितने में खरीदा, लेकिन सौ रुपये मरम्मत पे खर्च किया। तो अगर आपने पंद्रह सौ रुपये कोई वस्तु लिया और सौ रुपये मरम्मत पर खर्च किया, वस्तु कितने की होगी, सोलह सौ होगी। अब आपने अगर सत्रह सौ साठ का बेचा, आपको लाभ एक सौ साठ रुपये ना होगा, दो सौ साठ तो होगा नहीं, क्योंकि वस्तु के मरम्मत पर, वस्तु के परिवहन पर जो खर्च होता है वह उसके क्रय मूल्य में जुड़ता है, वह उसके सीपी में ऐड होता है, वह उसके कास्ट प्राइस में ऐड होता है। क्लियर, अतिरिक्त जो खर्च करेंगे वस्तु पे वो तो क्रय मूल्य पे होगा ना। जैसे मोहन ने एक गाय, लिखेगा प्रश्न, लिखेगा मोहन एक गाय, एक गाय बारह हजार रुपए की खरीदी, बारह हजार रुपए की खरीदी, और उस गाय पर को घर तक लाने पर एक हजार रुपए, एक हजार रुपये किराया दिया, तत्पश्चात उस गाय को पंद्रह हजार छह सौ रुपये में बेच दिया, पंद्रह हजार छह सौ रुपये में सोहन को बेच दिया। इस प्रकार मोहन को गाय में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मोहन बारह हजार रुपये की गाय खरीदा और परिवहन खर्च, गाय को घर तक लाने के लिए एक हजार रुपये किराया दिया, उसके बाद वह गाय पंद्रह हजार छह सौ रुपये में सोहन को बेच दिया। तो बताएं कि मोहन को उस गाय पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जी हाँ, ये पेड क्लास है, ऑनलाइन क्लास के लिए भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। और ईश्वर करें आप सभी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब करके रखे हैं, और जो मेहनत से पढ़ रहे हैं वो लगातार आगे जाए, जो नकारात्मक विचार के लोग हैं, जो वीडियो को बिना देखे
अनलाइक करने की आदत है, फालतू कमेंट करें, वो जिंदगी भर ऐसे करते रहे और अच्छे बच्चे सफल हो, क्योंकि पूरा देश अच्छे बच्चों का इंतजार कर रहा है आप जैसे लोगों का। चलिए आगे देखते हैं कैसे हल होगा। एक मोहन जो है एक गाय 12,000 रुपए में खरीदी, उसके बाद उसने 1,000 रुपए उसके परिवहन पे खर्च किए, तो जो परिवहन पे खर्च करेगा तो उसके क्रय मूल्य में ऐड होगा, बात समझ रहे हैं आप लोग ना, तो क्या होगा उस पर 1,000 रुपए ऐड कर दिया। अब जो मोहन को गाय पड़ी वो कितने की पड़ी, मोहन को गाय 13,000, तो मोहन ने उस गाय को 13,000 रुपए में खरीद कर 15,600 रुपए में बेच दिया। अब बताइए मोहन को उस गाय में फायदा हुआ नुकसान, तो भैया 13,000 की गाय पड़ी उसकी, 1,000 रुपए किराया भी तो जोड़ेगा, क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि किराया जो हो तो गाय में ही जोड़ेगा ना, बात समझ रहे हैं आप। अब वह उसे कितने का 2,600 रुपए का फायदा हुआ, कितने में हुआ, अब गाय 12,000 की ना होगा 13,000 की होगी, अब यह गाय कितने की होगी 13,000 की, तो 13,000 की परसेंटेज के लिए कोई फॉर्मूला कोई सोच, दो लड्डू यह लड्डू 13 का 13, 13 दो दवा में 20, मानुष गाय पर मोहन को 20% का लाभ, कितने का 20% का लाभ, क्लियर आपको समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि जो 1,000 रुपए है ये किसमें, ये उसे अपरिव्यय है और अपरिव्यय एक से अधिक भी हो सकता है, जो अपरिव्यय होता है वो एक से अधिक अपरिव्यय भी हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं, चलिए लिखिएगा, अपरिव्यय एक से अधिक भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं, चलिए तो मैं समझा रहा हूं आपको, लिखिएगा, एक से अधिक अपरिव्यय भी होता है, ऐसा नहीं एक ही अपरिव्यय होता है, एक से अधिक भी अपरिव्यय होगा, लेकिन जितने भी अपरिव्यय होते हैं, जितने भी उपरिव्यय होते हैं वे सभी क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगे, बात समझ रहे हैं आप लोग, लिखिएगा, लिखिए प्रश्न, लिखिएगा सभी लोग प्रश्न लिखिएगा। राम एक मोटरसाइकिल, राम एक मोटरसाइकिल 14,500 रुपए खरीदा, 14,500 रुपए का खरीदा, उसके पश्चात मोहन क्या बोले थे, राम ने एक मोटरसाइकिल 14,500 का खरीदा, उसके बाद उसने 300 रुपए का टायर लगवाया तथा 200 रुपए उसके इंजन की मरम्मत में खर्च किया, 200 रुपए उसकी इंजन की मरम्मत में खर्च किया, 14,500 रुपए की मोटरसाइकिल लेकर 300 रुपए की टायर में और 200 रुपए उसके इंजन की मरम्मत में खर्च करने के बाद उस मोटरसाइकिल को रहीम को 14,250 में बेच दिया, 14,250 में बेच दिया, तो बताएं कि राम को इस सौदे में कितने प्रतिशत की हानि हुई,
कितने प्रतिशत की हानि हुई, मोटरसाइकिल में कितने प्रतिशत की हानि हुई। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके अष्टका जप, सभी लोग जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। और हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप जल्दी सेलेक्ट हो जाए, सरकारी नौकरी करें और बड़ा सा अपना नाम, अपने माता पिता का नाम। चलिए देखते हैं इस तरह के जो प्रश्न आते हैं। सभी लोग फटाफट लिखते चलेंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं, नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च के लिए बिना स्पेस के इलेनी पे दुर्गेश पे जुड़ेगा, फेसबुक पेज इलेनी पे दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर इलेनी पे दुर्गेश पे आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राम एक मोटरसाइकिल 14,500 रुपए की थी, तो ये क्रय मूल्य तो था, लेकिन उसने क्या किया, 300 रुपए का उसने टायर लगवाया, जो किसमें जुड़ेगा इसी। फिर 200 रुपए उसकी इंजन की मरम्मत में खर्च किया। अब वो राम को मोटरसाइकिल कितने की पड़ गई, 15,000। अब उसने 15,000 रुपए की जो मोटरसाइकिल थी, 15,000 की मोटरसाइकिल पड़ गई, लेकिन राम ने रहीम को बेचा 14,250। यहां तक क्लियर हुआ भैया? अब वो 15,000 की उसको मोटरसाइकिल पड़ी, देश किसने करा है 14,250 का, क्लियर। अब नुकसान कितने का होगा, 750। कितने में हुआ, 14,500 में नहीं हुआ, उसे हुआ 15,000। यहां पे हो गया 15,000। हम जानते हैं परसेंटेज के लिए गुणे सौ, किसी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए सदैव सौ से गुणा करते हैं। दो लड्डू से क्लियर, ये लड्डू इससे क्लियर, 15 का 15, 15 25। वस्तु को घाटे में बेचा गया है, क्या होगा, 5% का लॉस, 5% की हानि होगी। क्या आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, लोगों को बताइएगा। ऑनलाइन क्लासेस जुड़ने के लिए नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ों के लिए बताइएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। अभी तक की जो क्लास थी यहाँ जाकर आखिरी सवाल था, इसके बाद कल हम लोग इसके नए पैटर्न पर नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप वीडियो के अंत में जुड़े हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, इसकी पूरी सीरीज देखिएगा, क्योंकि इसकी पूरी सीरीज आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, सबसे ज़्यादा कामगार हो सकती है, इसीलिए आप लोग इसे बाद में देखिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या आती है कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, एक बार इसको पूरी सॉल्व कर लेंगे, जो मेरी थ्योरी है किसी भी किताब से पढ़ेंगे सारे प्रश्न आपके, ठीक है। आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ये सभी आपके फर्स्ट क्लास के लिए था। सरकारी नौकरी करनी है तो बड़े पैसे पढ़नी है, और आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मैं और मेरी टीम आपके साथ है, अपना भी आप बेस्ट देते रहिएगा, हम भी अपना बेस्ट देते रहेंगे, सफलता एक न एक दिन आप ही कदम में चल होगी। तो आप लोग इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। और ये पेड क्लास के लिए था, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। बाद में आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी इलेनी दुर्गेश तरफ से, उसे भी आप सभी लोग करिएगा और अपने सभी साथियों को बताइएगा इलेनी दुर्गेश से जुड़ने के लिए। पढ़िए वहाँ जहाँ सेलेक्शन सबसे अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।